ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। 6th century BCE के बाद से जो लैंड और रिवर रूट्स डेवलप हुए थे, इन पे जो लोग ट्रेवल करते थे, इसमें पैडलर्स, फेरी वाले शामिल थे जो कि शायद फुट पे ट्रेवल किया करते थे। इसके अलावा मर्चेंट्स थे जो कि ग्रुप में ट्रेवल करते थे, और ये इनका जो कारवां होता था ये बुलक कार्ट्स और पैक एनिमल्स का होता था। इसके अलावा सी फेयरार्स भी थे। सी फेयरार्स, इनके प्रोजेक्ट्स बहुत रिस्की थे बट हाईली प्रॉफिटेबल, लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। सक्सेसफुल मर्चेंट्स को तमिल में मसत्थुवन और प्राकृत में सेठी और सतवाह बोला जाता था, जो कि बहुत रिच हुआ करते थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता था, जैसे सॉल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल ओर्स एंड फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स भी इसमें शामिल थे। स्पाइसेस, स्पेशली जो काली मिर्च थी, इनका रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा डिमांड था। काली मिर्च के अलावा जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे और मेडिसिनल प्लांट्स थे, ये भी ट्रांसपोर्ट किए जाते थे अरेबियन सी से मेडिटेरेनियन सी तक। कॉइन्स एंड किंग्स, जब कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए तो इससे कमर्शियल एक्सचेंज, व्यापार करना बहुत आसान हो गया। फर्स्ट इशूड कॉइन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, जो कि सिल्वर और कॉपर के थे। इनको अप्रॉक्सीमेटली 6th century BCE ऑनवर्ड्स इशू किया गया। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे साइट्स में इनको रिकवर किया गया है। न्यूमिस्मेटिक्स जो कि एंशियंट कॉइन्स को स्टडी करते हैं या कॉइन्स को स्टडी करते हैं, उनको न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। आर्कियो न्यूमिस्मेटिक्स एंशियंट कॉइन को स्टडी करते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स जिन्होंने इन कॉइन्स और दूसरे कॉइन्स को स्टडी किया है, तो उन्होंने कॉइन स्टडी करके पॉसिबल कॉमर्शियल नेटवर्क को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। पंच मार्क्ड कॉइन्स पर जो सिंबल बने हैं उनको पहचानने की कोशिश की गई है स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज के साथ, जिसमें मौर्यन एम्पायर्स भी इंक्लूडेड हैं, जिससे पता चलता है कि जो पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे, इनको किंग्स ने, राजाओं ने इशू किया था। इसके अलावा ये भी लगता है कि मर्चेंट्स, बैंकर्स, टाउन पीपल, इन्होंने भी कुछ कॉइन्स को इशू किया था। फर्स्ट कॉइन्स जिनमें राजा का नाम और राजा की इमेज होती थी, उसको इंडो ग्रीक रूलर्स ने इशू किया, जिन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे अप्रॉक्सीमेटली 2nd century BCE में रूल किया था। फर्स्ट गोल्ड कॉइन इंडिया में लगभग 1st century CE में इशू किए गए थे, और इनको इशू करने वाले कुशान रूलर्स थे। तो कुशान रूलर्स के जो गोल्ड कॉइन्स थे, ये वेट में और शेप में उस समय के जो रोमन एम्प्रेस और पार्थियन रूलर्स ईरान के थे, उनसे मिलते जुलते थे। तो ऐसे कुशान रूलर्स के जो गोल्ड कॉइन्स हैं, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एशिया के कई सारे साइट से पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि गोल्ड कॉइन्स का यूज बहुत ज्यादा होता था। इससे अगर गोल्ड कॉइन्स का यूज बहुत ज्यादा होता था, इसका मतलब जो गुड्स थे उनका ट्रांसपोर्ट, उनका ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था। रोमन कॉइन्स के होर्ड्स साउथ इंडिया के आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं। ये क्लियर है कि साउथ इंडिया रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं था, जिससे ये प्रूव होता है कि जो ट्रेड नेटवर्क थे, ये पॉलिटिकल बाउंड्री तक ही लिमिटेड नहीं थे, और साउथ इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में कनेक्शन था ट्रेड के थ्रू। कॉइन्स इनको ट्राइबल रिपब्लिक्स भी इशू करते थे, जैसे पंजाब और हरियाणा के जो योद्धे ट्राइब्स थे, इन्होंने भी अपने कॉइन्स को इशू किया। योद्धे दे रूल ओवर पंजाब एंड हरियाणा अप्रॉक्सीमेटली 1st century CE,
और यद्य जो ट्राइब थे इनके द्वारा इशू किए गए कॉपर कॉइन्स इनको हजारों की संख्या में आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकवर किया है, जो ये बताता है कि ये जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थे इनका ट्रेड में, इकोनॉमिक एक्सचेंज में काफी इंटरेस्ट था। कुछ बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर कॉइन्स जो थे वो गुप्ता रूलर्स ने इशू किए। गुप्ता रूलर्स के जो अर्लीस्ट कॉइन थे वो अपनी प्योरिटी के लिए जाने जाते थे, और इन कॉइन्स के इशू होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन जो है वो इजी हो गया, जिससे गुप्ता रूलर्स को भी काफी फायदा हुआ। अप्रोक्सीमेटली सिक्स सेंचुरी सीई के बाद से गोल्ड कॉइन्स का मिलना कम हो गया। तो क्या इससे ये पता चलता है कि सिक्स सेंचुरी सीई के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया? हिस्टोरियंस इस इशू को लेकर के डिवाइडेड हैं। कुछ हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलेप्स के बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में कमी आई, जिससे उन स्टेट्स कम्युनिटी और रीजन्स की प्रॉस्पेरिटी पे असर हुआ जो इससे फायदा उठाते थे। बाकी कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनका ये मानना है कि नए शहर नए ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप हो गए थे, जिसके कारण पुराने शहरों और पुराने ट्रेडिंग रूट्स की वैल्यू कम हो गई। और उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि बेशक गोल्ड कॉइन्स का मिलना बेशक कम हो गया था, लेकिन कॉइन्स के बारे में जिक्र उस समय जो इंस्क्रिप्शंस इशू किए गए थे, जो टेक्स्ट लिखे गए थे, उसमें कॉइन्स का जो जिक्र है ये होता था। इसके अलावा फ्यूर कॉइन्स का मिलना क्या ये नहीं बताते कि जो कॉइन्स या गोल्ड कॉइन्स ये सर्कुलेशन में थे और बाद के जो रूलर्स थे उन्होंने इनको रिसाइकल कर लिया, और हमें सिक्स सेंचुरी सीई के बाद से गोल्ड कॉइन्स कम इसलिए मिले हैं क्योंकि इनकी होर्डिंग नहीं की गई थी, ये सर्कुलेशन में थे। बैक टू द बेसिक्स, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं ये पता कैसे लगाते थे कि इंस्क्रिप्शंस में लिखा क्या होता था। डिसाइफरिंग ब्राह्मी, जो भी मॉडर्न स्क्रिप्ट्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं उनका ओरिजिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हुआ है। ब्राह्मी ही वो स्क्रिप्ट थी जिनका ज्यादातर अशोक के इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया था। लेट 18th सेंचुरी के बाद से यूरोप के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भारतीय पंडितों की मदद से उस समय के बंगाली और देवनागरी जो स्क्रिप्ट था, बंगाली और देवनागरी जो मेनुस्क्रिप्ट थे, उसको स्टडी करना शुरू किया और उनके लेटर्स को ओल्डर स्पेसिमेंट से कंपेयर करना शुरू किया। वो स्कॉलर्स जिन्होंने अर्ली इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया, कई बार उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखे गए थे। बेशक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस प्रकृत में लिखे गए थे, ये डिकेड्स के पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने किया, तो डिकेड्स के पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जेम्स प्रिंसप थे उन्होंने अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट को 1838 में इसको डिसाइफर किया, इसको पढ़ने में वो सक्सेसफुल हुए। हाउ खरोष्ठी वॉज रेड, तो ये खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट है इसको कैसे पढ़ा गया, ये इसकी स्टोरी अलग है। जो इंडो ग्रीक किंग्स जिन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वास्ट एरिया पे अप्रोक्सीमेटली 2nd सेंचुरी BCE के बाद से रूल किया था, उनके द्वारा जो कॉइन्स इशू किए गए थे उन कॉइन्स ने खरोष्ठी स्क्रिप्ट को पढ़ने में मदद प्रोवाइड किया। ये जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे उन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे उसमें जो किंग का नाम था वो ग्रीक में भी लिखा हुआ था और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ था। तो वो स्कॉलर्स जो कि ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक स्क्रिप्ट को पढ़ सकते थे उन्होंने ग्रीक और खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट के लेटर्स को उसको कंपेयर किया। इसके बाद जब प्रिंसप ने ये आइडेंटिफाई किया कि
खरोष्ठी इंस्क्रिप्शंस में जो स्क्रिप्ट, खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन की जो स्क्रिप्ट है उसकी लैंग्वेज प्राकृत है, तब जाके लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना आसान हुआ। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियंस काम कैसे करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग, ये आपके बुक में सोस्टेन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग है, इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे इस सोर्स में कहीं पर भी अशोक का नाम मेंशन नहीं है। व्हाट इज यूज इंस्टेड आर टाइटल्स अडॉप्टेड बाय द रूलर्स देव नाम पीय। तो इस इंस्क्रिप्शन में अशोक ने जो टाइटल अडॉप्ट किया था वो टाइटल लिखा हुआ है पियदस्सी, और अशोक का नाम और ये टाइटल दूसरे इंस्क्रिप्शंस में दोनों ही पाए गए हैं। इसके अलावा ये जो इंस्क्रिप्शंस थे इनके टाइटल, नेम, मैटर, मैटर मींस कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज, पेलियोग्राफी, इन सब को स्टडी करके एपिग्राफिस्ट ये इस नतीजे पे पहुंचे कि ये सारे इंस्क्रिप्शंस एक ही रूलर्स ने इशू किए थे। यहाँ पे आप सोस्टेन में आपने नोटिस किया होगा कि अशोक क्लेम करता है कि अशोक के पहले के रूलर्स ने रिपोर्ट रिसीव करने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें इंस्क्रिप्शन में जो मैटर कंटेंट प्रोवाइड होता है उसको एसेस करना पड़ता है कि इंस्क्रिप्शन में जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है क्या वो सही है, वो रीजनेबल है, या फिर कहीं उसको एग्जेजरेट बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताया गया है। इसके अलावा एक दूसरा इंस्क्रिप्शन सोर्स 11, इसको भी हम स्टडी करेंगे। यहां पे सोर्स 11 द एंग्विश ऑफ द किंग, यहाँ पे हमें राजा का दुख, राजा का कष्ट इस इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि कलिंग वॉर के बाद अशोक किस तरह से दुखी हुआ। उसने लड़ाई जो है इसे मुंह मोड़ लिया, बौद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, और इसके बाद वो धम्म के प्रोपोगेशन में, धम्म के प्रचार प्रसार में लग गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है जिसमें किंग के एंग्विश को रिप्रेजेंट किया गया है, ये इंस्क्रिप्शन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट में तो पाया गया है लेकिन ओरिसा या कलिंग, कलिंग को मॉडर्न ओरिसा, ओरिसा को ही कलिंग बोला जाता है, तो कलिंग या ओरिसा में इस इंस्क्रिप्शन को नहीं पाया जाता। तो इससे क्या हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा इस लड़ाई से इतना ज्यादा दुखी हुआ और लोग इतने ज्यादा इससे दुख में थे कि राजा लोगों के पेन को एड्रेस नहीं कर पाया और इसीलिए उसने इस इंस्क्रिप्शन को कलिंग में नहीं लगवाया था। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। अब हम इंस्क्रिप्शंस के या एपिग्राफी के लिमिट्स क्या हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो कई सारे टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कई बार जो इंस्क्रिप्शंस में लेटर्स लिखे गए होते हैं वो काफ़ी फेंटली एनग्रेव्ड होते हैं, काफ़ी धुंधले हो जाते हैं, समय के साथ वो घिस जाते हैं, जिससे ये रिकंस्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उसमें क्या लिखा है। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस टूट भी गए होते हैं, लेटर्स मिसिंग होते हैं, और इससे भी श्योर नहीं होता कि वो जो डैमेज पार्ट है उसमें क्या लिखा होगा। इसके अलावा कई बार इंस्क्रिप्शंस में जो यूज्ड वर्ड्स है उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता लगाना भी मुश्किल होता है कि उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक एरिया में उस शब्द का क्या मतलब होगा। इसके अलावा बेशक हजारों की संख्या में इंस्क्रिप्शंस को डिस्कवर किया गया है लेकिन आज तक सभी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा नहीं जा सका है, ना ही उन्हें पब्लिश किया जा सका है, ना ही ट्रांसलेट किया जा सका है। इसके अलावा जितने डिस्कवर किए गए हैं उससे ज्यादा भी एग्जिस्ट करते होंगे, जिनको एग्जिस्ट करते होंगे जो कि समय के साथ सर्वाइव नहीं किए, डिस्ट्रॉय हो गए, और जो भी आज हमारे पास इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल है वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है जितने इंस्क्रिप्शंस इशू किए गए होंगे उनका। इसके अलावा एक दूसरा फंडामेंटल प्रॉब्लम भी है,
कि आज हम जिसको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट मानते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया हो।